भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के मुजू सरकार की हिकड़ी निकल गई है। अब मुजू सरकार के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यहां तक कि भारत को सच्चा दोस्त भी बताया है। लेकिन भारत को लेकर मुजू सरकार का ये स्टैंड क्यों बदला है, ये भी जान लीजिए। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि मुजू सरकार की अपील पर भारत ने साल 2024-2025 के लिए मालदीव में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। सामान की जो मात्रा तय की गई है वो 1981 के बाद सबसे ज़्यादा होगी। हालांकि ये अभी साफ नहीं किया गया है कि सामान कितना होगा। भारत सरकार ने देश में चावल, चीनी और प्याज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम काबू में रखने के लिए इनके एक्सपोर्ट पर फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिबंधों के बावजूद मालदीव में इन सामानों की सप्लाई जारी रहेगी। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि ये कदम भारत के पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने वाली नीति नेवर्स फर्स्ट के तहत उठाए गए हैं। भारत हमेशा से मालदीव में लोगों से जुड़े विकास को बढ़ावा देता है। पिछले साल भी भारत ने चावल, चीनी और प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन के बावजूद मालदीव को इनकी सप्लाई जारी रखी थी। भारत सरकार के इस फैसले पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया है। एक्स पर मूसा जमीर ने लिखा, मैं मालदीव को साल 2024-2025 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की इजाज़त देने के लिए और उस कोटा को रिन्यू करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। ये लंबे समय से चली आ रही हमारी दोस्ती का एक प्रतीक है और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड और कॉमर्स को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के पोस्ट के जवाब में लिखा, आपका स्वागत है। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारत सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब पिछले कुछ महीनों में मालदीव के साथ रिश्ते चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पड़ोसी देश में मोहम्मद मुजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद से इंडिया आउट की पॉलिसी अपनाई है। इसके तहत वहां मौजूद 88 भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला किया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि मालदीव में चुनाव के बाद आमतौर पर नए राष्ट्रपति पहले भारत का दौरा करते थे, लेकिन राष्ट्रपति मुजू पद संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर चीन गए थे। जनवरी में चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुजू ने कहा था, हमारा देश छोटा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है। हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं है, मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देशों में से एक। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।